हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर फॉर सीए इंटर लॉ अच्छा अब तक हमने इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट देख लिया सेक्शन वन पढ़ लिया डेफिनेशंस पढ़ लिए जो शुरू होते थे ए से लेके डी अल्फाबेट तक यस डी लेटर तक हमने सारा कुछ पढ़ लिया अब कंटिन्यू करते हैं क्लॉज थर्टी सेवन से ये वो डेफिनेशन है जो ई e, एफ और ऐसे कंटिन्यू होते हैं ठीक है चलो तो क्लॉज़ 37 बात करता है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन की ईसॉप आपने सुना ही होगा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन अच्छा ये डेफिनेशन इधर है लेकिन जितने भी प्रोविजंस है ना दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज़ बी तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर शेयर एंड शेयर कैपिटल में तो अब फिलहाल सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली exactly ये जो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन है ये किसे मिला जाता है और क्यों दिया जाता है मेनली तो मुझे ये आपको बताना होता है कि इस सबके पीछे का लॉजिक क्या है यू शुड अंडरस्टैंड की वाई दिस इज गिविन ये जितने भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या स्वेट इक्विटी के प्लान होते हैं ना दे आर बेसिकली टू रिटेन द एम्प्लॉयज अब कौन चाहता है कि ट्रेन एम्प्लॉय सीजनड एम्प्लॉय जिसके ऊपर हमने इतनी मेहनत की है वो काम छोड़ के चला जाए तो ये ऐसे तरीके हैं जिससे एम्प्लॉय कंपनी में ही रह जाता है जैसे सुनो हम बोलते हैं कि आपकी सैलरी का पैक पार्ट ही है ये पाँच साल अगर आप कंपनी के पास रह जाते हो तो फिर हम आपको ई e सॉप देंगे आप एलिजिबल हो जाते हो ये एक ऑप्शन है कंपल्शन नहीं है इट इज़ एन ऑप्शन गिवन टू परचेज द सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी एट अ प्री डिटर्मिन प्राइस तो पाँच साल तक वो एम्प्लॉय है फिर उसे हमने ऑप्शन दी कि भाई तू शेयर खरीद सकता है एट प्री डिटर्मेंट प्राइस उसको ये ऑप्शन दी जाती है उसके पास शेयर्स वो खरीद लेता है फिर वो एक्सरसाइज करने में और उसको ऑप्शन देने में उसमें हम गैप रख लेते हैं इस तरीके से बस थोड़ा थोड़ा डिले करते जाते ताकि वो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के ही ना जाए और प्लानिंग भी ऐसी होती है ना तेरे को एम्प्लॉय ऑप्शन पाँच साल कंप्लीट करेगा तो हजार शेयर देंगे छः साल कंप्लीट करेगा तो और देंगे ऐसे करते करते हम उसको लालच देते हैं वो उधर ही रह जाता है इट्स नॉट फॉर द बैड ऑफ द एम्प्लॉय मतलब ऐसा कुछ उसको नुकसान नहीं है उसको फायदा ही होने वाला है मार्केट से तो बेटर प्राइस पे उसको कम प्राइस पे ये शेयर्स मिल सकते हैं तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है एंड पीपल मेक अ लॉट ऑफ मनी यू थ्रू दीज एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन तो एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन इज एंड ऑप्शन हम ये वर्ड को ऑंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये हमारा की वर्ड है इट्स एन ऑप्शन इट्स नॉट अ कंपल्शन ऐसा जरूरी नहीं है किसे दिया जाता है ठीक है किसे दिया जाता है टू डायरेक्टर्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉयिज ऑफ द कंपनी या फिर ऑफ द होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी इफ एनी और सब्सिडरीज इफ एनी तो किसे दिया जाता है ये इसको सी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर अंडरलाइन भी कर देती हूँ अभी ये दिया जाता है ऑप्शन टू एम्प्लॉयज ऑफ आइदर द कंपनी और द होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और कंपनीज इफ एनी ठीक है तो ये मेरे डेफिनेशन का थर्ड पार्ट है तो मैंने अपने डेफिनेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया सबसे पहला पार्ट है कि ये क्या है ऑप्शन है कंपल्शन नहीं है आपकी मर्जी है खरीदना खरीदो नहीं करने मत खरीदो ये एक ऑप्शन है ठीक है किसे दिया जाता है टू डायरेक्टर्स एम्प्लॉय ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज बी पार्ट है डायरेक्टर्स ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन दिया जाता है कौन से डायरेक्टर किसके एम्प्लॉय को आइदर ऑफ द कंपनी और होल्डिंग या अपनी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉज को या डायरेक्टर्स को क्या है ये ऑप्शन दे हैव द बेनिफिट और राइट टू परचेज और सब्सक्राइब फॉर द शेयर ऑफ द कंपनी तो ये उनका ऑप्शन है एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटर्मेंड प्राइस तो ये कितने पार्ट्स हैं लेकिन यही तो मेरे सारे की पार्ट्स है ना डेफिनेशन के क्या दिया है हमने राइट टू परचेज और सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स कब कर सकता है एट अ फ्यूचर डेट एट प्री डिटर्मेंट प्राइस तो क्या है ये ये एक ऑप्शन है किसे दिया गया है डायरेक्टर्स ऑफिसर या एम्प्लॉइज को कौन से डायरेक्टर्स एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होल्डिंग या फिर सब्सिडरी को क्या है ये ऑप्शन टू सब्सक्राइब फॉर और टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द फ्यूचर एट अ प्री डिटर्मेंट प्राइस तो ये देखो लालच दे दिया ना हमने तू पांच साल रुक जा तेरे को हम ई सॉप देंगे तो वो फ्यूचर में खरीद सकता है अच्छा तब उसको हम ई सॉप देंगे फिर उसका एक्सरसाइज करने के लिए हम उसको बोलेंगे तू छह महीने के बाद कर एक साल के बाद कर तो इस तरीके से हम उसको कंपनी में ही रख लेते हैं अच्छा अब मान लो कि उसके पास ऑप्शन है टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज एट हंड्रेड रुपी पर शेयर ठीक है मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ हंड्रेड रुपीज पर शेयर पे वो कंपनी का एक शेयर मार्केट में से खरीद सकता है अब अगर कंपनी का जो शेयर मार्केट में प्राइस चल रहा है ऑप्शन दिया है टू परचेस एट हंड्रेड रुपीज वो तो परचेस करेगा ही ना क्योंकि वो परचेस कर लेगा एट हंड्रेड रुपीज वो मार्केट में उसको सेल कर सकता है 150 50 पर तो इसे बोलते हैं इन द मनी इन द मनी मतलब ये ऑप्शन ये एक्सरसाइज करने में उसका फायदा है लेकिन मान लो कि अगर मार्केट में प्राइस हो फिफ्टी रुपीज पर शेयर तो क्या वो हमसे सौ रुपए में खरीदेगा नहीं वही ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेगा अरे मतलब मार्केट में इसे सस्ते में मिल रहे तो सौ रुपए में क्यों खरीदेगा उसको शेयर खरीदे तो मार्केट में फिफ्टी रुपीज में नहीं खरीदेगा तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ मनी ठीक है तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे शेयर एंड शेयर कैपिटल बट आई जस्ट वॉटेड यू टू है क्या होता है ई ओके एक्सपर्ट कौन होता है ये एक्सपर्ट की जो डेफिनेशन है ये हमें मेजरली प्रोस्पेक्टस चैप्टर में काम आएगी क्योंकि वहां पर प्रोस्पेक्टस में हम पढ़ेंगे कि एक्सपर्ट की ओपिनियन प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है अच्छा एक्सपर्ट को 2013 के पहले डिफाइन ही नहीं किया गया था 2013 में सबसे पहली बार एक्सपर्ट को डिफाइन किया गया है इसका निमोनिक देती हूं आपको ई वी सी ए सी एस सी डब्ल्यू ए सी एस सी डब्ल्यू मतलब इंजीनियर वी मतलब वैल्यूअर सी ए सी एस सी डब्बल्यू तो याद हो जाता है वो इजी है तो आएगा सीए सी एस कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट बोल लो या आप सीएमए लिख लो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोल लो ठीक है कॉस्ट कॉन्स्टेंट सीएम लिखती हूँ आजकल वही बोला जाता है सी डब्ल्यू ए तो पुराना हो जाएगा सीएम ठीक है सीए सी एस सीएम ई वी इंजीनियर वैल्यू और सी ए सी एस सी एम ए इनको हम एक्सपर्ट uh, मानते हैं लेकिन उसमें कोई और भी आएगा एनी अदर पर्सन हु हैज द पावर और अथॉरिटी टू इश्यू सर्टिफिकेट इन पर्सन बहुत ज्यादा अंडरलाइन कर लिया ना मैंने एनी अदर पर्सन द पावर और अथॉरिटी टू इश्यू अर्टिफिकेट इन पर्सन ऑफ एनी लॉफ द टाइम बींग इन्फोर्स मैं आर्किटेक्ट टू मेरा जो एक्ट है जिसके अंडर मैं गवर्न हूँ जो मुझे रेगुलेट करता है मैं एक आर्किटेक्ट हूँ मेरा जो एक्ट है वो मुझे एक सर्टिफिकेट देने की परमिशन देता है मैं भी एक्सपर्ट हूँ तो आप एक्सपर्ट तभी माने जाओगे जब आप सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी रखते हो ओके okay? तो जैसे डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं आता डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट तो उनका जो लॉ है वो उसे उन्हें सर्टिफिकेट देने की परमिशन देता है तो वो भी एक एक्सपर्ट है वो अपने मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट वो होता है या तो वो इंजीनियर हो वैल्यूअर हो सी ए सी एस सी एम ए हो या फिर उसके पास सर्टिफिकेट इशू करने की अथॉरिटी है ठीक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं आएगा हमारे एग्जाम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्लॉज नंबर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर तो क्लॉज नंबर फोर्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे फिर अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन देख लेते इन रिलेशन टू अ कंपनी कितने अच्छे से लॉ बनाया है देखो इन्होंने हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके कॉन्टेक्ट में पढ़ रहे हैं इन रिलेशन टू अ कंपनी तो हम कंपनी के कंपनी को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं ये डेफिनेशन इट इंक्लूड्स इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये भी क्या आएगा हम हाईलाइट कर लेंगे बैलेंस शीट आएगी एट द एंड ऑफ द ईयर ठीक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकिन अगर मेरी कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर इफ यू आर कैरिंग बिजनेस एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट तो फिर आएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक है तो मेरी बैलेंस शीट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट से ना रिलेटेड एक यहां पर प्रोवाइजो है देखो प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैं इसको अंडरलाइन कर लूंगी दूसरे इंक से वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी

फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट इन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब आपको पता है मैं कैसे याद रखती थी जब मैं पढ़ रही होती तो मेरे सी ए इंटर का जब मेरा एग्जाम था तो मैं ऐसे लिख देती थी बैलेंस शीट पी एन एल या इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैश फ्लो स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स तो इस तरीके से मैं लेफ्ट हैंड मार्जिन बहुत यूज़ करती थी मैं मार्जिन में ना मेरे ऐसे छोटे पॉइंटर्स लिख देती थी ताकि एग्जाम में मुझे वो एज अ फोटोग्राफिक मेमोरी याद आता था एंड इट रियली वर्कस आप भी ये ट्राई कर सकते हो अच्छा फाइनेंशियल ईयर अरे यार बहुत इंटरेस्टिंग है ये फाइनेंशियल ईयर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर है अगर मैं सिर्फ ईयर की बात करूँ ठीक है ये ईयर लिखा है मैंने तो ईयर क्या होता है कैलेंडर ईयर जो ब्रिटिश कैलेंडर ईयर है हम फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर न्यू ईयर पे आप सबको बोलते हो ना हैप्पी न्यू ईयर कब बोलते हो फर्स्ट अप्रैल को बोलते हो न्यू ईयर फर्स्ट जनवरी को हम न्यू ईयर विश करते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं कि नहीं तो ईयर न्यू ईयर ईयर कब से हमारे दिमाग में कब से शुरू होता है फर्स्ट जनवरी से तो क्योंकि ईयर बोला ना तो हमारे दिमाग में यही आता है जैन टू डिसेम्बर लेकिन आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो मैं अगर आपको बोलूँ फाइनेंशियल ईयर क्या होता है तो आप बोले मैम फाइनेंशियल ईयर हमें पता है फर्स्ट अप्रैल से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च तक तो अभी फाइनेंशियल ईयर अगर मैं ऐसी एग्जांपल के तौर पे लू तो फर्स्ट अप्रैल 2022 से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च 2023 तक दैट इज माय फाइनेंशियल ईयर तो जब ईयर की बात की जाती है दैट इज द कैलेंडर ईयर और जब फाइनेंशियल ईयर की बात की जाती है दैट बिगिंस फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल हर कॉमर्स स्टूडेंट को ये तो पता ही होगा एंड इट एंड ऑन थर्टी ऑफ मार्च ठीक है तो दिस इज माई फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट अच्छा कभी कभार लिखते हैं इन रिलेशन टू अ कंपनी अब लिखा है इन रिलेशन टू अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट हमने पढ़ा था मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट याद है कि नहीं ठीक है तो इन रिलेशन टू अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करती हूं तो इन रिलेशन टू कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ईयर मींस द पीरियड एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ एवरी ईयर एंड वेयर द कंपनी इज इनकॉरपोरेटेड ऑन और आफ्टर अच्छा ये मेरा सेकेंड पार्ट हो गया क्या हो रहा है तो सेकेंड पार्ट हो गया थर्ड पार्ट वेर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ अ इं पर ईयर यूज किया है पीरियड एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ द फॉलोइंग टेबल दूंगी आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट इज मेड अभी सुनो हम एक नोट लिखेंगे उससे यह सब कुछ क्लियर हो जाएगा एल गिव यू एक्साम्पल्स ऑल्सो ठीक है चलो इसके नीचे ना एक नोट हम लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर को लेके नोटबुक ले आओ फाइनेंशियल ईयर चलो अब मान लो कि एक आपकी कंपनी है मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोस देती हूं ठीक है चलो आपकी कंपनी है जो इनकॉरपोरेट हुई थी सेकेंड मई ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है आपकी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी ऑन सेकेंड मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो आपको लिखना है आपका फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन क्या लिखोगे कब एंड होगा मेरा फाइनेंशियल ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च 2023, यस ऑन नो अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी ऑन सेकेंड मे 2022, तो आपका ईयर एंड होगा ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च 2023 अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी को तब भी आपका ईयर एंड होगा थर्टी फर्स्ट मार्च लेकिन अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है लेट से ऑन फर्स्ट ऑफ जैन 2023 या फिर एनी टाइम देर आफ्टर जैसे फर्स्ट ऑफ जैन ले लो या फिर ट्वेंटी ऑफ फेब्रवरी ले लो ठीक है तो उस जो फर्स्ट जनवरी के बाद अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब आपका फाइनेंशियल ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को नहीं बल्कि थर्टी फर्स्ट मार्च द फॉलोइंग मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को एंड होगा क्यों अब देखो थर्टी सॉरी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मतलब अभी तीन महीने हुए यार कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए या फिर मैंने ट्वेंटी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो मैं और एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ ना यहाँ पर ये या फिर ट्वेंटी फेब्रुवरी को हुई थी तो आपको क्लियर आ जाएगा कि ऐसा जरूरी नहीं फर्स्ट जान कोई भी उसके बाद वाली डेट हो सकती है अरे यार दो महीने हुए हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए और आप बोलते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो क्या बनाओ दो महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है क्या होते बुक्स भी बनाने के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं है मेरे पास में ऐसा थोड़ी ना होता कंपनी शुरू हो गई और सारे ट्रांजेक्शन करने लग गई हाई वॉल्यूम करने लगी एक खादा भी ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करूँ उसमें तो लॉ बोलते है कि यार वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा तो इसीलिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होगा ऑन थर्टी मार्च ट्वेंटी अच्छा तो अब ये ये केस में सेकेंड uh, मे से लेके कर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक मैं अपने बुक्स बनाऊंगी यस yes, ये दे देखो यहाँ पर सेकेंड मे से लेके कर थर्टी फर्स्ट मार्च ये पीरियड के मेरे बुक्स बनेंगे यहाँ पर थर्टी फर्स्ट दिसंबर से लेके कर थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च तक और यहाँ पे जब इनकॉर्पोरेट हुई थी वहाँ से लेके कर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक अब सोचने वाली बात ये है कि मैम आपने जो सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है ना उसमें कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी थर्टी फर्स्ट दिसंबर को और आपका ईयर एंड उधर हो गया था तीन महीने में अब आप, आप बोल रहे हो कि तीन महीने में कौन से इतने ट्रांजेक्शन होते हैं शुड आई एंड ईयर और सेकेंड केस में मतलब एक ही दिन का फर्क है थर्टी फर्स्ट डिसंबर और फर्स्ट जनवरी बस एक ही दिन का फर्क है फिर भी आपने थर्ड सिनेरियो में बोल दिया कि ईयर एंड होगा इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और यहाँ पे थर्टी फर्स्ट दिसंबर को अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो ईयर एंड तभी हो जाएगा थर्टी फर्स्ट मार्च को ऐसा क्यों एक दिन में क्यों पूरा फाइनेंशियल ईयर का ही चेंज हो जाता है देखो अब आई कॉन्ट हैव डिफरेंट सोल्यूशंस फॉर डिफरेंट कंपनीज ना अब आपकी एक कंपनी है जो बोलती है नहीं भले ही मैं फर्स्ट हैंड को इन कॉपोरेट मुझे तो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री को ही मेरे अकाउंट एंड करने हैं या दूसरी कंपनी बोलती है नहीं नहीं तीन महीने में क्या अकाउंटिंग होगी मेरे को तो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर में करना है वी कांट हैव डिफरेंट रूल्स ना तो इसीलिए लॉ ने सबके लिए एक स्टैंडर्ड रूल बना लिया और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम लोग मेरे पास बार बार क्वेश्चन पूछने बताओ ये सब अवॉइड करने के लिए हमने बोला कि देखो भाई अगर तुम ट्वेंटी ट्वेंटी टू में इनकॉर्पोरेट हो गए हो ठीक है उस साल में इनकॉर्पोरेट हो गए हो तो अगले साल ट्वेंटी थ्री मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री को तुम्हारा ईयर एंड हो जाएगा लेकिन तुमने अपना ईयर ही चेंज कर दिया तुम तो इनकॉर्पोरेट हुए हो थर्टी सॉरी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को तो फिर इन दैट केस योर ईयर विल एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे तो लॉ बहुत ही क्लियर है ट्वेंटी टू में इनकॉर्पोरेट हुए थे तो थर्टी फर्स्ट मार्च को आपका ईयर एंड हो जाएगा आपने अगले साल में फर्स्ट जनवरी को कर दिया तो उस साल में अभी तीन महीने में क्या करोगे तो फिर और टाइम ले लो तो कहना है अगर मेरी कंपनी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी थ्री को इनकॉर्पोरेट हुई है मेरा ईयर एंड होता है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर तो देखा जाए तो हम फिफ्टीन मंथ्स के लिए अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे यस तीन महीने अभी के और नेक्स्ट जो मेरा ट्वेल्व uh, मंथ्स का पीरियड है तो मेरे फाइनेंशियल ये, ये तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए होगा ना बाद में ऐसा नहीं होगा यू के नॉट से भाई अभी से लेके मेरा फाइनेंशियल ईयर पंद्रह महीने का होगा ऐसा नहीं ये तो सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात हो रही है और फर्स्ट में भी मैक्सिमम टाइम आपको हम फिफ्टीन मंथ्स का ही देते हैं ठीक है मैक्सिमम हम आपका फाइनेंशियल ईयर फिफ्टीन मंथ्स तक ही जाने देते उससे ज्यादा हम जाने ही नहीं देते मैक्सिमम यही पीरियड होगा ना अच्छा मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट इनकॉपोरेटिव थर्टी फर्स्टर तो कर दिया ना मैंने आपको तीन महीने में ही आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर दिया ना मैक्सिमम मैं आपको जाने देती मंथ तक उससे ज्यादा नहीं ऐसा नहीं होगा कि मैं अठारह महीने के अकाउंट साथ में बनाऊँ ये पॉसिबल नहीं है अच्छा ये हो गई मेरे पहले साल की कहानी हर साल मुझे पंद्रह महीने नहीं मिलेंगे तो जब सब्सिक्वेंट की मैं बात करूं तो इसका सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर कब होगा अभी बताओ ये जो कंपनी थी विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन फर्स्ट जैन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इसका जो मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ठीक है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर तो फिर इसका सब्सिक्वेंट कब एंड होगा सब्सिक्वेंट दैट इज सेकेंड फाइनेंशियल ईयर मैं ये इरेज कर दू ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है माई सेकेंड फाइनेंशियल ईयर विल एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड सो ऑन फिर तो मुझे ट्वेल्व मंथ्स का ही टाइम मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए है फिफ्टीन मंथ्स का हो गया मेरा फाइनेंशियल ईयर उसके बाद में मेरा ट्वेल्व मंथ्स का जो रेगुलर साइकिल है वो शुरू हो जाएगा तो ये है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल ईयर की कहानी आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके ये लिख सकते हो डन अच्छा चलो मुझे ना यहाँ पर पहले वो टेक्स्ट बुक में से रीड करना है फिर वो प्रोवाइजो पढ़ती हूँ आपके लिए इन रिलेशन टू एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ईयर मीन्स द ईयर एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर ये मैंने सेकेंड पार्ट बना लिया वेर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट जनवरी देन द पीरियड एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल आर मेड ये मेरा पूरा अच्छे से मैंने आपको चार्ट फॉर्मेट में दे दिया प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं वेरा कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट यहां पर भी उन्होंने वही फॉलो किया है इन कॉरपोरेटेड आउटसाइड इंडिया अभी ये बिना एग्जाम्पल के तो ये समझेगा ही नहीं तो प्रोसीड करने से पहले बस इतनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल एक कर लेते हैं पेप्सिको ये बहुत ही फेमस कंपनी है पेप्सिको इंग ये एक कंपनी है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ये एक बॉडी कॉर्पोरेट हुई याद है हमने पढ़ा था तो पेप्सिको ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया लेकिन इसी की एक इंडियन सब्सिडरी है क्यों क्योंकि इंडिया में वो अच्छा बिजनेस कर रही है ना तो बिजनेस करने के लिए इट इज बेटर कि वो सब्सिडरी के थ्रू करे ग्लोबल कंपनी है ये तो तो उन्होंने एक सब्सिडरी बनाई है पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया क्यों वर्ड डाला है क्योंकि उनकी ऐसी बहुत सारी सब्सिडरीज होंगी इन डिफरेंट कंट्रीज तो पता तो चले कि कौन सी सब्सिडरी की बात हो रही है तो पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ये उसकी एक सब्सिडरी है अच्छा पेप्सिको इंडिया जो है ये रजिस्टर्ड इन इंडिया है इसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी इंडिया में ही है सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ कंपनी क्शन टू क्लॉस ट्वेंटी तो क्योंकि ये कंपनी है एज पर अवर कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन ये तो फॉरन फॉरन नहीं बोलूंगी मैं बोलूंगी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ये तो हमारे कंपनीज एक्ट में कवर्ड ही नहीं है लेकिन हाँ उसकी जो इंडियन सब्सिडरी है वो तो कंपनी मानी जाएगी क्योंकि ये कंपनी है इसका फाइनेंशियल ईयर विल बी डिटर्मिंड एज पर द कंपनीज एक्ट जो बोलता है फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट अप्रैल uh, से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च तक होना चाहिए अब सुनो ट्विस्ट कहां पर आएगा ये जो पेरेंट कंपनी है ये फॉलो करती है कैलेंडर ईयर मान लो क्यों क्योंकि उसकी उनका लॉ अब अलाउ करता है ना तो ये फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर जो है फर्स्ट जैन से लेके थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च तक ठीक है तो ये फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर लेकिन मेरी जो इंडियन सब्सिडरी है वो फॉलो करती है फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट अप्रैल से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च तक अब दोनों अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं लेकिन वी आल्सो वांट टू नो कि हाँ ये जो पेप्सिको होल्डिंग कंपनी है उसकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनको जब हम मिलाएंगे तो उसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स क्या होंगे क्यों क्या जरूरत है ये सब करने की मालूम तो पड़े एज अ ग्रुप हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं देखो इंडिविजुअली तो हर कोई शाइन करता है बट एज ग्रुप मेरा कितना वैल्यू है मेरे क्या ट्रांजेक्शन एज अ ग्रुप मेरी क्या पोजिशन है इन सब के लिए हम कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाते हैं हम कंसोलिडेशन करते हैं अब जब कंसोलिडेशन करने जाएंगे तो पेरेंट कंपनी बोलती है मेरा तो पीरियड फर्स्ट जैन से थर्टी फर्स्ट डिसम्बर है और सब्सिडरी जो इंडिया की है वो बोलती है नहीं मुझे तो बोला गया है कि फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च के फाइनेंशियल बनाने हैं क्या हम इनके अकाउंट्स को कंसोलिडेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों का जो अकाउंटिंग पीरियड है वही डिफरेंट है अच्छा इसी तरीके से जब पेरेंट कंपनी को अपने सारे सब्सिडरीज हैं उनके फाइनेंशियल कंपेयर करने हैं तो हम बोलते हैं मेरे फाइनेंशियल तो फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च बने हैं उनकी दूसरी सब्सिडरी बोलती है हमने कुछ और फाइनेंशियल कंपेरिजन विल नॉट बी पॉसिबल इसीलिए हमने बोला है कोई बात नहीं ये जो पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है ना आप एक काम करो आप एक एप्लीकेशन कर दो टू देंट्रल गवर्नमेंट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगा आपको परमिशन देगा ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आपको परमिट करेगा या फिर अलाउ करेगा टू हैव एनी अदर फाइनेंशियल ईयर टू फॉलो टू फॉलो अब यहाँ पर मैं बोलती हूँ एनी अदर फाइनेंशियल ईयर फिर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप कैलेंडर ईयर ही फॉलो करो अब इतनी लिबर्टी दे रहे हैं तो भाई तेरी मर्जी अभी देखो फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च नहीं फॉलो करना है ना तो तू कोई भी फाइनेंशियल फॉलो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर दे अभी उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज इट इज़ गुड फॉर कंसॉलिडेशन इट इज़ गुड फॉर योर बिजनेस तो हम इतना रिजिड नहीं होना चाहते अब मेरी एक कंपनी है जो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी उसकी कोई पेरेंट कंपनी नहीं है कुछ भी नहीं है तो उन, उन्होंने देखा रहे यार पेप्सी को कैसे अलाउ कर दिया इन्होंने कैलेंडर ईयर मुझे भी वही करना है मैं भी कर सकती हूँ नहीं, मैं नहीं कर सकती मैं नहीं कर सकती क्यों क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये तभी अवेलेबल होगा जब मेरी एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड है उसकी सब्सिडी या होल्डिंग या कोई कंपनी यहाँ पर है और फिर उनके बुक्स जब हमको कंसोलिडेट करना है प्रॉब्लम आ रही है तो बस उन्हीं को ये ऑप्शन दिया जाएगा आपकी और मेरी कंपनी जो ये सीनैरियो में फॉली नहीं करती उन्हें यह सब चेंज करने की परमिशन नहीं मिलेगी ठीक है तो ये फिर आप देख लो आपको लिखना है कि नहीं तो लिख लो डन चलो ये वीडियो कभी भी पॉज करके नोट्स बना लो बिकॉज ये ही नोट्स आपको बाद में काम आएंगे हो गया ना लिख के ठीक है अभी रीड कर लेते हैं अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको प्रोवाइडेड वेर अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अल्डिंग ऑर अ सब्सिडरी और एन एसोसिएट ऑफ अंपनी इन कॉरपोरेटेड आउटसाइड इंडिया रुको मैंने क्या एग्जाम्पल दिए वो देखो मैं कौन हूं मैंने आपको सब्सिडरी का एग्जाम्पल दिया आप कोई भी हो सकते हो आप होल्डिंग भी हो सकते हो ऑफ अ कंपनी इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया ठीक है मैंने एग्जाम्पल दिया था सब्सिडरी का मेरी सब्सिडरी थी एप्सिको इंडिया मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूं होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ठीक है आई एम अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इन कॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया दट इज पेप्सिको इन एंड इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ऑफ अ कंसॉलिडेशन हम कंसॉलिडेशन वर्ड को हाईलाइट करेंगे ये मेरा की वर्ड है इट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो तो पेप्सी को इंडिया होल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया क्योंकि मुझे मेरे अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया कंसोलिडेट करने हैं देन द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय दैट कंपनी अभी ये दैट मतलब कौन सी कंपनी किसको एप्लीकेशन करनी है पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इसको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी ओके सो देन दे विल हैव टू अप्लाई दिख रहा है ना ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय दैट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन सच फॉर्म एंड मैनर वो भूल जाओ अलाउ एनी पीरियड अलाउ एनी पीरियड एज इट्स फाइनेंशियल ईयर वेदर और नॉट दैट पीरियड इज अयर फिर अभी इतनी लिबर्टी दे रहे हैं तो भाई तू देख ले भाई को क्या करना है वो ईयर लेना है जैन टू डिसम्बर या आपको फेब्रुअरी टू जनवरी लेना है वो आपकी मर्जी है फिर वो वो ईयर है नहीं है वो हमको नहीं पता अभी पूरी लिबर्टी दे दी आपको फिर हमने ठीक है तो ये थी मेरी डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ फॉरन कंपनी अच्छा फॉरेन कंपनी तो वैसे मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है टाइप्स ऑफ कंपनीज वहां पर भी पढ़ने वाली हूँ मतलब पढ़ा, आपको पढ़ाने वाली हूँ तो इधर मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में जाएँ हम वहां पे करने ही वाले और भी बहुत थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं पर की क्या है की क्या है वो हाईलाइट कर लेते हैं फ़ॉरन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और अ बॉडी कॉरपोरेट देखो अभी ये वर्ड्स के ना हमको मीनिंग समझ में आने लग गए हैं इट मीन्स एनी कंपनी और अ बॉडी कॉरपोरेट इनकॉरपोरेटेड आउटसाइड इंडिया मैम ये तो आउटसाइड इंडिया है फिर इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं अरे इट इज इनकॉरपोरेटेड इंडिया बट इट इज अस इन इंडिया कैसे आई दर बाय सेल्फ और थ्रू एन एजेंट वी आर प्रेजेंट आईदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली जैसे ई मेल से फैक्स से या क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा कंप्यूटिंग या मेरे शॉप है फैक्ट्री है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है प्लांट है

फ्री रिजर्व भी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर शेयर एंड शेयर कैपिटल में तो ये भी मैं वहाँ पर ही कराऊंगी क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे डिटेल एग्जाम्पल्स हैं मुझे अभी आपको बर्डन नहीं करना है अभी जस्ट स्टार्ट किया हमने लो तो फ्री रिजर्व वहीं पर पढ़ेंगे सिर्फ अभी इतना ही याद रख लो कि फ्री रिजर्व आर दो रिजर्व विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड उसका कोई फिक्स पर्पज ही नहीं है वो ज, जो रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ है मेरा जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज है मेरा प्रॉफिट हुआ है उसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं वो फ्री ऐसे ही पड़ा हुआ है जो डिविडेंड के तौर पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट तो आपके सिलेबस में ही नहीं है गवर्नमेंट कंपनी क्लॉज के साथ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट कंपनी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम आगे भी आएगा तो उधर हम थोड़े और पॉइंट्स ऐड कर देंगे लेकिन फिलहाल इसको डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जांपल्स क्लॉज नंबर इंपॉर्टेंट है सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी फाइव याद रखना है आपको डेफिनेशन तो बाय हार्ट करनी है इस इसमें बहुत केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बाय हार्ट करनी है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो आप गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अच्छा मीन्स मतलब ये मीनिंग बता रहे हैं ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है ये पढ़ा था ना फाउंडेशन में आपने इन विच नॉट लेस लेसन मतलब एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट फिफ्टी नहीं है, 51 है। ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड आईदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मैं ऐसे नोट बना रही हूं देखो कौन होल्ड कर रहा है एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट या फिर मोर स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट कंपनी की अगर सब्सिडरी है तो उसे भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा उसको भी यही रूल्स अप्लाई करेंगे जो गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई करते हैं मैम गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन ही क्यों किया है हमारे एक्ट में बिकॉज कई सेक्शन में आप देखोगे रूल्स आर डिफरेंट फॉर गवर्नमेंट कंपनी जैसे ऑडिट एंड ऑडिटर्स में वैसे तो ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेसेस लेकिन ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज़ अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो कई जगहों पे इनको हम रिलेक्सेशन देते हैं या इनके लिए हमने कोई अलग प्रोविजंस बनाकर रखे हुए तो गवर्नमेंट कंपनी को पहले डिफाइन करेंगे तभी तो जाके उसके प्रोविजंस हम पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे तो इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी को हमने डिफाइन किया है अच्छा ये जो सब्सिडी है इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ आप लिख सकते हो अपने नोट्स में उससे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बना हाँ ये मैंने बना के रखा हुआ है चार्ट यहाँ पर कोल इंडिया ये एक गवर्नमेंट कंपनी है ठीक है कोल इंडिया लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट कंपनी है इसकी दो सब्सिडरीज हैं दैट इज भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एंड सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड ये दो सब्सिडरीज वैसे तो और भी हैं और भी कई सब्सिडरीज हैं लेकिन मैंने दो एग्जाम्पल्स दिए हैं ये सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी है अच्छा फिर ये आ गई आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट कंपनी है इसकी मैंने दो सब्सिडरीज लिया और भी दो हैं तो इनकी सब्सिडरीज है पी एफ सी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसका कोई लोगो नहीं मिला कोई लोगो है नहीं मेरे ख्याल से हाँ और दूसरी है पी एफ सी कंसल्टिंग लिमिटेड ये देखो यहाँ पे लिखा है होली ऑन सब्सिडी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन दो सब्सिडरीज को भी हम गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे ठीक है तो इनको भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही मानेंगे सब्सिडरीज है दो जो रूल्स गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई करते हैं, वो इन सब्सिडीज को भी करते हैं तो आपको ये लिखना है तो एज एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हो हो गया ये देखो डन ओके चलो तो अब तक हमने क्या पढ़ा हमने ये गवर्नमेंट कंपनी तक पढ़ लिया ठीक है क्लॉस फोर्टी फाइव एक अलग वीडियो है आपको वो क्लॉज नंबर याद कराने का देखा कि नहीं चलो अब पढ़ते हैं वॉट इज डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी सिंपल है क्लॉज नंबर आपको याद करके जाना पड़ेगा क्लॉज फोर्टी सिक्स बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्साम्पल होल्डिंग सब्सिडी पे दे मे आज क्यू क्वेश्चन ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है दे मे आस्क यू क्वेश्चन बट केस बेस्ड क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं तो उसमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी क्लॉज फोर्टी सिक्स इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज मतलब हम दूसरे कंपनी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को होल्डिंग कब बनाएंगे इट अ कंपनी ऑफ विद सच कंपनीज आर सब्सिडरी तो अगर वो मेरी सब्सिडरी है तो मैं उसकी होल्डिंग हूं ओके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये ये नॉट इंपॉर्टेंट इशूड कैपिटल विच इज इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इट्स लाइक ऑफर किया हुआ है मैंने की मैनेजरियल पर्सनल यस की मैनेजीरियल पर्सनल के एम पी कौन होता है इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है वैसे लेकिन आपको लर्न जरूर करना पड़ेगा क्लॉज फिफ्टी वन ये भी याद करके जाना पड़ेगा आपको क्लॉज का जो नंबर है यस की मैनेजरियल पर्सनल कौन होते हैं कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होगी तो किसको किसको हम लाइबल करें वो जानने के लिए ये डेफिनेशन बनाई गई है हु इज हेल्ड लाइबल कौन है बोलो कौन है तुम्हारा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है इन रिलेशन टू अ कंपनी यस वेरी गुड के एम पी रिलेशन में हम डिफाइन करें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कौन होता है उसमें कौन लोग आएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे मैं मार्जिन में नोट्स बनाती हूँ तो मेरी नोटमेकिंग शुरू हो गई यहां पर देखो सीईओ ठीक है मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर और ब्यूटी देखो एक्ट की उसके नीचे मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर को डिफाइन किया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर एम जी आर लिखती हूँ मैं हमेशा कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम डायरेक्टर डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी सी एफ ओ समन हु इज अपॉइंटेड एज सच एनी अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर तो सपोज डायरेक्टर है टॉप लेवल पे उसके नीचे ही असोसिएट डायरेक्टर है ठीक है तो ये एसोसिएट डायरेक्टर भी मेरा के माना जाएगा इसके नीचे वाला केएमपी नहीं है ठीक है ये केएमपी उसके नीचे वाला नहीं है एनी सच ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब मैंने एक नोट भी लिखा है एज ऑफ नाउ नो ऑफिसर इज प्रिस्क्राइब लेकिन हम हमेशा क्लाइंट्स को एडवाइस करेंगे कि भाई देखो आपकी केएमपी पॉलिसी होनी चाहिए अदरवाइज किसी भी ऑफिसर को उन्होंने डाल दिया तो आगे फंस जाओगे तो अभी तक तो कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है बट आप भी अपने कंपनी की के पॉलिसी बना लो ताकि तो हमें भी तो पता चले कौन के है ये तो आएंगे ही अदर ऑफिसर्स में आप भी बताओ कौन के हो सकते हैं। इसको कैसे याद करके जाओगे सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर सी एस सी एफ ओ होल टाइम डायरेक्टर एनी एनी ऑफिसर नॉट वन लेवल बिलो द डायरेक्टर एनी अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब ठीक है लिस्टेड कंपनी की जो डेफिनेशन है ये हम चैप्टर टू में डिस्कस करेंगे उसमें बहुत डिटेल्स हैं आई डोंट वांट टू डू इट मैंने आपको ना एक टैबलेट और फॉर्म में पूरी डेफिनेशन बना के दी बहुत अच्छे से तो तभी पढ़ेंगे मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम बट एक बार पढ़ लेते हैं मतलब नॉलेज फाइनल लेवल में काम आ जाएगा अभी नहीं अगर काम आया तो तभी काम आ जाएगा फिर मैनेजर कौन होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है पहले की वर्ड हाईलाइट कर लेते हैं मैनेजर सेम कलर्स रखना हो मैनेजर एक इंडिविजुअल होता है लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर एक डायरेक्टर है वाह मैम क्या बात बोली आपने मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर होता है और वो इंडिविजुअल होता है अच्छा इंडिविजुअल क्यों बोला है क्योंकि आपकी कंपनी में मेंबर्स या जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं लेकिन वो मैनेजर नहीं हो सकते मैनेजर कौन होता है जो कंपनी को मैनेज करता है कोई आर्टिफिशियल पर्सन मैनेज कर सकता है क्या नहीं कर सकता यह काम तो किसी इंडिविजुअल का ही होगा ना जिसके पास दिमाग है जो डिसीजन ले सकता है जजमेंट फॉर्म कर सकता है तो मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कलर चेंज यस सब्जेक्ट टू द सुप्रिंटेंडेंस कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड तो जो मैनेजर होता है वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है कौन है ये मैनेजर ही इज हु इज अंडर द सुप्रिंटेंडेंट सुप्रिंटेंडेंट मतलब निगरानी नजर रखे हुए हमने तुम उनको रिपोर्ट करोगे तुम उनके कंट्रोल में हो उनकी डायरेक्शन फॉलोगे किसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तो कहना है इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुप्रीम है उसके नीचे आ जाता है हमारा मैनेजर ठीक है फिर मैनेजिंग डायरेक्टर ये क्या है

अरे डायरेक्टर्स हम में से ये मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर आपके आर्टिकल्स में लिखा है कि हम में से ये मैनेजिंग डायरेक्टर होगा नाम लिखा है उसका या फिर आपने उसके साथ अग्रीमेंट की है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से ये हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा अच्छा अब जो मैनेजर है वो काम क्या करेगा पहले कर लेते धीरे धीरे और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपको काम क्या करेगा ही हैज द मैनेजमेंट ऑफ What? अभी अंडरलाइन करती हूं होल सॉरी बॉक्स में डालेंगे होल और द होल ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी ठीक है या तो उसके पास पूरी अथॉरिटी है या सब्सटैंशियल अथॉरिटी है सब्सटैंशियल मतलब कि होल नहीं लेकिन काफी ज्यादा ठीक है ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो इसके पास सिर्फ सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है होल नहीं है देखा आपने फर्क है ना मैनेजर के पास होल हो सकता है या सबस्टैंशियल इसके पास ये नहीं मैम एक डाउट आ रहा है यहाँ पर एक डाउट आ रहा है सपोज मेरे पास मैनेजर है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है अब आप बोलते हो मैनेजर के पास होल पावर है फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सब्सटैशियल कैसे आएगी अच्छा डाउट है ना समझा आपको मैंने क्या बोला अगर मेरे पास मैनेजर है जिसके, जिसको मैंने whole of the authority दी अथॉरिटी देखो मैंने यहाँ पे होल ऑफ अथॉरिटी लेकिन मेरे पास managing director भी है जिसको मैंने सब्सटैंडियल पावर दिए मैम दोनों माई डियर स्टूडेंट दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते तो आपकी कंपनी में या तो मैनेजर होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों नहीं होंगे क्योंकि आप दो जन को दो जन को सब्सटैंश पावर नहीं दे सकते अगर आपके पास मैनेजर तो ही नहीं है, या आपके पास है, जिसके पास है तो आपको मैनेजर की, अच्छा, hmm. की भी जरूरत नहीं है मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हमको यहाँ पर मैनेजर तो जैसे मेरे अंकल है ना वो सेल्स मैनेजर है ना वो परचेस मैनेजर है न, मेरे जो रिलेटिव है वो फाइनेंस मैनेजर है क्या हम उनकी बात कर रहे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे वो तो डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं ना ये तो पूरी की पूरी कंपनी की बात हो रही है देखो अफेयर्स ऑफ द कंपनी तो हम आई से एक बहुत ही वाइडर पिक्चर देख रहे हैं हम लोकल जो वो छोटे छोटे लेवल्स होते हैं ना ये डिपार्टमेंट का मैनेजर है ये ब्रांच का मैनेजर है हम उनकी छोटे लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऊपर की अथॉरिटी में बैठे होते हैं समवन हु हैज सब्सटेंसिव और सब्सटैंसिव मतलब कि वो कंपनी की काया बदल दे ऐसे डिसीजन लेता है मतलब यू कांट इवन थिंक कि अच्छा यार ये तो इतना क्या सोचते हैं ये लोग मेजर डिसीजन लेते हैं वो मर्जर करना चाहिए कि नहीं या फिर मुझे इतने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं कि नहीं या मैं मैं बजट बनाऊं पूरा या मैं टारगेट्स दूँ ये हाई लेवल के जो डिसीजन होते हैं ना वो टाइप ऑफ मैनेजर की मैं बात कर रही हूँ ठीक है जो जो सब्सटैंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जो जो पूरी कंपनी को एज अ होल संभाल रहे हैं तो ही मैनेजेस आइदर द होल और सब्सटैंशियली होल ऑफ द अफेयर्स ये भी सबस्टैंशियल पावर करता है इसीलिए दो मैनेजर नहीं हो सकते इसीलिए मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों साथ में भी नहीं आ सकते अच्छा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो गया इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर Occupy, नहीं मैं दूसरा पढ़ लिया आ, ये वाला है सॉरी ये पहले मैं बोलू मैनेजर में डायरेक्टर मतलब, नहीं, नहीं, नहीं। मतलब क्या मैं डायरेक्टर हूँ क्या मैं मैनेजर नहीं बन सकती मैं एक डायरेक्टर हूँ क्या मुझे देखो अब मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर ही बोलना है ऐसा किसने लिखा है कौन बोल रहा है ये वो तो कंपनी डिसाइड करेगी ना कि मेरी डेजिग्नेशन का नाम क्या होना चाहिए मैं मैनेजर हूं और मैं डायरेक्टर भी हूं क्यों नहीं हो सकती मैं एज अ डायरेक्टर मैं कंपनी मैनेज कर रही हूं मैं, तो मैं हो सकती हूँ तो इंक्लूज अ डायरेक्टर डायरेक्टर मैनेजर भी हो सकता है इंक्लूज अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजिशन ऑफ अ मैनेजर ठीक है पोजिशन ऑफ अ मैनेजर मुझे मैनेजर की पोजिशन दी गई है बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और जिंग डायरेक्टर uh, कौन होता तो है पहले मैं डायरेक्टर अच्छा मेरा ना एक पॉइंट है मैं डायरेक्टर नहीं हूं मैं डायरेक्टर नहीं हूं क्या मैं मैनेजर हो सकती हूँ फिर भी हाँ बिल्कुल मैनेजर बनने के लिए मुझे सिर्फ एक इंडिविजुअल होना पड़ेगा है ना तो मैं डायरेक्टर नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी मैनेजर हो सकती हूँ मैं डायरेक्टर हूं क्या मैं मैनेजर हो सकती हूँ हाँ मैं फिर भी मैनेजर हो सकती हूँ अच्छा इतना समझा ना मैं डायरेक्टर नहीं हूं फिर भी मैं मैनेजर बन सकती हूँ मैं डायरेक्टर हूं मैं फिर भी मैनेजर बन सकती हूँ तो मैनेजर एक बहुत अच्छी पोजीशन है किसी को भी डाल दो लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर होने के लिए मुझे डायरेक्टर होना जरूरी है मैं डायरेक्टर नहीं ना तो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकती आर यू गेटिंग मी तो कोई भी मैनेजर बन सकता है लेकिन सिर्फ एक डायरेक्टर ही मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा अच्छा सो इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग पोजिशन ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इसीलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर लिखा है यहां पर डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन लिखा है क्योंकि मैनेजर होने के लिए आपको डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है ओके आई होप यू गॉट द डिफरेंस इसीलिए मैंने ना स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में पढ़ रही थी देखो ये मेरा सबसे पहला प्रोविजन ये भी मेरा पहला नहीं ये मेरा पहला प्रोविजन था कि इट मीन्स एन इंडिविजुअल इट मीन्स अ डायरेक्टर ही इज सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड वो बोर्ड को रिपोर्ट करता है उनकी डायरेक्शन फॉलो करता है यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर मैं बनी थी क्योंकि मेरा नाम आर्टिकल्स में या फिर मेरा एग्रीमेंट है कंपनी के साथ या मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए रेजोल्यूशन पास की गई थी मेरे पास होल या सब्सटैंशियली होल पावर है एज अ मैनेजर यहाँ पर मेरे पास सिर्फ सबस्टेंशियल पावर है दोनों एक साथ एग्जिस्ट को एग्जिस्ट नहीं कर सकते या तो मैनेजर होगा या कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होगा मैनेजर होगा तो एक ही होगा मुझे दूसरे की जरूरत ही नहीं है मैं अगर डायरेक्टर हूं तो भी मैं मैनेजर बन सकती हूं मैं डायरेक्टर नहीं हूं तो भी मुझे मैनेजर बनाया जा सकता है लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए मुझे डायरेक्टर होना जरूरी है अच्छा अब एक्ट की ब्यूटी देखो ब्यूटी देखो मैंने यहां पर सब्सटैंशियल सब्सटैंशियल वर्ड यूज किया है कितना जेनरिक हो सकता है ना मतलब सब्सटैंशियल में कुछ भी आ सकता है एम्बिगिटी हटाने के लिए उन्होंने सब्सटैंशियल वर्ड को एक्सप्लेन किया है कैसे एक्सप्लेन किया देखो फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द पावर टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ये हम हाईलाइट कर लेंगे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है द पावर टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ रूटीन नेचर ये तो कोई भी कर लेगा बस अथॉरिटी दे दो वेन ऑथोराइज बाय द बोर्ड ये भी जरूरी है ना ऐसे ही बस मुझे आज कुछ नया काम करने का सूझा नहीं आपको बोर्ड ने अथॉरिटी दिया तो ही आप रूटीन काम कर सकते हो ये भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ऑथोराइज बाय द बोर्ड अच्छा तो मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम या रूटीन काम करने की अथॉरिटी बोर्ड ने दी है उसमें क्या आएगा क्या रूटीन काम हो सकता है देखो लिस्ट दी है आपको कॉमन सील फिक्स करना चेक को ड्रॉ या एंडोर्स करना नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ या एंडोर्स करने की मेरे पास अथॉरिटी है टू साइन एनी सर्टिफिकेट ऑफ शेयर शेयर सर्टिफिकेट साइन करने की या ट्रांसफर फॉर्म्स साइन करने की उसे हम सब्सटेंशियल पावर नहीं मानेंगे ये रूटीन काम है अब सोचो ना मुझे साइन करने की अथॉरिटी है Check, uh, uh, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स करने की तो मेरे माइंड में मैं सडनली बोलने सोचने लग गई आई हैव लॉट ऑफ पावर अरे मैं तो मैनेजर हूं हेलो ये रूटीन काम है ये करने के लिए किसी ना किसी को तो अपॉइंट करना ही था अभी डायरेक्टर सारे तो नहीं साइन करेंगे ना या कोई सब सब ऑथोरिज सिग्नेटरी तो नहीं होंगे चेक इतना सही होता है उसमें किसी एक या दो पर्सन का ही साइन होगा ना तुम उनमें से एक हो ये रूटीन काम है कंपनी को हजारों चेक साइन करने पड़ते हैं ये रूटीन काम है ये सबस्टेंशियल पावर वाला काम नहीं है तुम्हारे माइंड में तुम सोच रहे हो बहुत बड़ा काम है लेकिन ये रूटीन काम है इसकी क्लैरिटी यहाँ पर दी है ठीक है तो ये जो रूटीन काम है एडमिनिस्ट्रेटिव काम है लाइक फॉर एग्जाम्पल सच एज ये फाइनल लिस्ट नहीं है ये सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज सब्सटैंशियल पावर ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम ये देख लो एक बार आपने सारी मार्किंग्स कर ली है ना अच्छे से ओके okay? ठीक है फिर ये मेंबर कौन होता है हु इज अ मेंबर तो ये मेरे नोट्स हैं ये तभी के बने हुए हैं जब सिलेबस में, में मेंबर और शेयर होल्डर के बारे में डिटेल्स थी डिफरेंस बिटवीन था अब उन्होंने मॉड्यूल से निकाल दिया बट मेरे नोट्स थे मेरे पास तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ मेंबर कौन होता है देखो मैं में मेंबर तभी बनूंगी जब मेरा नाम रजिस्टर में आएगा तो मेंबर वो होता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है मैम मैंने शेयर्स खरीद लिए लेकिन क्या ना वो प्रोसीजर होता है ना दो तीन दिन लग जाते हैं वो रजिस्टर अपडेट होने में अगर फिजिकल शेयर्स है तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है और कंपनी रोज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अपडेट नहीं करती है अगर डीमैट में भी होगा तो रोज अपडेट नहीं होता है तो आगे पढ़ेंगे वो अभी नहीं अभी आप इतना ही समझ लो कि मेंबर वो होता है जिसका नाम रजिस्टर में है बट नाम आने में थोड़ा टाइम लग जाता है मैं मेरे पास तो शेयर्स हैं तो आप शेयर होल्डर हो जब आपका नाम रजिस्टर में आ जाएगा तो आप मेंबर कहलाए जाओगे नॉर्मली शेयर होल्डर एंड मेंबर दीज टू वर्ड्स आर यूज इंटरचेंजेबली लेकिन ऐसे सिचुएशन हैं जहां पर आप मेंबर हो लेकिन आपके पास शेयर्स नहीं है

क्योंकि हमने मेमोरेंडम साइन किया और जो टेबल थी वहां पर उसमें हमने लिखा कि हम दस दस हजार शेयर्स के लिए फेस वैल्यू टेन है तो एक एक लाख रुपया दे रहे कंपनी को या देंगे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने साइन कर दिया तो आपको तुरंत पैसे देने वन एटी डेज का टाइम दिया जाता है आपको अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने साइन कर दिया तुरंत रजिस्टर अपडेट हो गया ऐसा नहीं होता है हाँ, लेकिन जैसे ही आप साइन करके एग्री कर लेते हो कि हाँ हम पैसा देंगे यू आर फ्रॉम दैट डे कंसिडर्ड एज मेंबर फिर भले ही आपका नाम रजिस्टर में नहीं आया है भले ही आपने एक्चुअली में पैसा नहीं दिया भले ही आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया अलॉटमेंट हुई नहीं अभी तक आपको मेंबर माना जाएगा भाई इतनी क्या जल्दी थी उसको मेंबर बनाने की मान लो कि अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई चार दिन में मैंने एक लाख की लाइबिलिटी इनकर कर दी फिर कंपनी को मैंने वाइंडिंग अप में डाल दिया भाई पैसा कौन देगा उसको मेंबर के रजिस्टर में किसी का नाम तो लिखा नहीं किसी और पर्सन को तो शेयर इशू कौन होगा तो इसीलिए तुरंत किसी को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए हमने बोला सब्सक्राइबर टू बिकॉज ऑफ द फैक्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर अ सब्सक्राइबर तू मेंबर माना जाएगा फिर ठीक है बाद में आप उनको शेयर्स अलॉट करते हो उनका नाम रजिस्टर में आता है बाद की बात है बट जैसे ही वो एग्री कर लेता है कि हाँ मैं सब्सक्राइबर हूं तू है भाई, तू तो मेंबर बन गया। पर्सन इज एग्री टू परचेज द शेयर में नहीं है सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेंबर कौन होता है शेयर होल्डर कौन होता है तो जैसे ही उन्होंने एग्री कर लिया तो वो मेंबर माने जाएंगे

Oral is not valid, तो आप बाद में भी मेंबर बन सकते हो अच्छा मेरी बात सुनो ये जो सब्सक्राइबर है ये जो subscriber है ये बाद में उसको शेयर्स तो मिलेंगे ही तो वो शेयर होल्डर है ही है लेकिन हर शेयर होल्डर सब्सक्राइबर नहीं होगा क्योंकि आप बाद में भी शेयर्स खरीद सकते हो तो बाद में आप शेयर होल्डर हो लेकिन आप सब्सक्राइबर थोड़ी ना हो तो सब्सक्राइबर वही पर्सन होगा जो मेमोरेंडम पे नाम लिखता है साइन करता है और परचेज करता है जो नंबर ऑफ शेयर्स मेमोरेंडम में लिखे तो ही इज अ पर्सन हु बेसिकली इनकॉर्पोरेट्स कंपनी इज द फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ठीक है वो फर्स्ट शेयर होल्डर होते हैं सब्सक्राइबर्स बाद में जो परचेज करते हैं वो भी मेंबर्स बन सकते हैं अच्छा इफ द नेम अपियोर्स एज अ बेनिफिशियरी इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी मेरे डीमैट के शेयर तो मैंने तो शेयर्स खरीद लिए लेकिन रोज थोड़ी ना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अपडेट होता है रोज थोड़ी ना होते हैं तो लॉ क्या बोलता है ठीक है आपकी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड शेयर कोई ना कोई डिपॉजिटरी होगी वो डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है ना कि कौन शेयर्स कर कर रहा रहा है सेल है क्योंकि रोज तो कितनी ट्रेडिंग होती है इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अपडेट द रजिस्टर तो जो, जो रिकॉर्ड डिपॉजिटरी मेंटेन कर रहा है वही आपका रजिस्टर माना जाएगा एंड अगर आपका नाम बेनिफिशरी के तौर पर लिखा जा रहा है इन द द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी आप मेंबर तो आपका नाम उनके रिकॉर्ड में होना चाहिए तो हम मानेंगे कि आप मेंबर हो तो दैट रिकॉर्ड इज इट सेल्फ कंसिडर्ड एज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी ठीक है तो ये था हमारा मेंबर के बारे में अच्छा मैं मेंबर हूं लेकिन मैं शेयर होल्डर नहीं हूं मैम आपने वो बताया था तो एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन करो सपोज मैंने आपको मेरे कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर दिए ठीक है मैंने मैं एक्स हूं मैंने अपने शेयर्स आपको दे दिए मैंने ट्रांसफर कर दिए शेयर्स फिजिकल फॉर्म में मेरी प्राइवेट कंपनी है तो मैं मेंबर हूं क्योंकि मेरा नाम अब भी रजिस्टर में है अब तक वो ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं हुई है मैं मेंबर हूं लेकिन आपके पास वो शेयर्स आ गए तो आप शेयर होल्डर बन गए जब ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी शेयर्स आपके नाम पे आ जाएंगे आपका नाम रजिस्टर में आ जाएगा तो आप शेयर होल्डर के साथ साथ मेंबर भी बन जाओगे ठीक है तो जब ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा नाम रजिस्टर में है तो मैं मेंबर हूं लेकिन शेयर्स मैंने आपको सेल कर दिए तो आप शेयर होल्डर ये मेमोरेंडम जो सब्सक्राइब करता है वो इमिजिएटली मेंबर बन जाता है भले ही उसको मैंने शेयर अलॉट किए हो या नहीं हो तो वो मेंबर है लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है फिलहाल ठीक है तो ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहां पर मेंबर और शेयर होल्डर अलग होते हैं मेंबर वही होता है जिसका नाम रजिस्टर में है इतना आपको याद रखना है गोइंग बैक टू दिस सो इन रिलेशन टू अ कंपनी हम कौन से मेंबर की बात कर रहे हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम

तो आप मेंबर माने जाओगे डीम्ड है ना देखो डीम्ड है ओके एवरी अदर पर्सन तो एवरी अदर पर्सन को हम हाईलाइट करेंगे एवरी अदर पर्सन हु अग्रीज इन राइटिंग राइटिंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ओरल एप्लीकेशन भी नहीं चलेगी पर्सन हैज टू अप्लाई इन राइटिंग सो एवरी अदर पर्सन हु अग्रीज इन राइटिंग टू बिकम मेंबर एंड हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मैंने आपको बताया था मेंबर वही होता है जिसका नाम रजिस्टर में है हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर

तो यही रजिस्टर माना जाएगा अगर आपका नाम वहां पे एज अ बेनिफिशियल ओनर है देन यू आर अ मेंबर तो ये थी हमारी मेंबर की डेफिनेशन क्लॉज 55 में 56 हमको मेमोरेंडम के बारे में बताता है मेमोरेंडम को डिफाइन किया है सेक्शन टू क्लॉज 56 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स अ मेमोरेंडम विच इज ओरिजिनली फ्रेम्ड ओके एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एज ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम तो जो ऑल्ट्रेशन हमने करी है नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता इस पे क्वेश्चन आएगा बट ठीक है एक बार आपको पता होना चाहिए की वर्ड है उसकी इक्वेशन बना लेते हैं देखो नेटवर्थ क्या होता है वॉट इज द वर्थ मतलब कंपनी के पास पैसा कितना है तो इट इज एन एग्रीगेट ऑफ पेड आप मेरे साथ लिख सकते हो पेड आप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व आएगा जो प्रॉफिट्स में से क्रिएट किए हैं हमने प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस और माइनस पी एन एल अकाउंट प्लस और माइनस क्यों लिखा है क्योंकि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है तो पॉजिटिव बैलेंस इज द क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव इज द डेबिट बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग मतलब आप रिड्यूस करोगे इसमें से एक्यूमलेटेड लॉसेस आप इसमें से जो ये अमाउंट है इसमें से रिड्यूस करोगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ बट इट डज नॉट इंक्लूड ओके इट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ ऑफ एसेट्स क्यूँ क्योंकि ये reserve, ये एक्चुअल एक्चुअल रिजर्व मनी रिप्रेजेंट ही नहीं करता आपने एसेट को रिवैल्यू किया है क्या इज दैट मनी क्या वो रिजर्व आप किसी चीज के लिए यूज कर सकते हो नहीं वो फ्री रिजर्व है ही नहीं वो रिजर्व वो रिजर्व माना जाएगा बट उसको यहां पर वर्थ में नहीं गिना जाएगा बिकॉज वो बेच के या वो एनकैश करके आपको कुछ मिलने नहीं वाला है राइट बैक ऑफ डेप्रीसिएशनगमेशन दिस ऑल्सो डिप्रेजेंट एक्चुअल मनी इसीलिए उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा वेल कैलकुलेटिंग नेटवर्क नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्प नोटिफिकेशन मतलब जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है ठीक है नोटिफाई को भी उसी एंगल से हम सोचेंगे नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट ऑफिशल गैजट इज इज एस ऑफिशियल पब्लिकेशन जो वीकली बेसिस पे दी जाती है पब्लिक अनाउंसमेंट्स की जाती हैं इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये अनाउंसमेंट्स हैं